तो गाइस मैंने ले लिया ये थैली और अपने ये और ये सॉलिड स्कैम वाली चीज है यहाँ पे। तो यार हर मंदिर में स्कैम होते जा रहे हैं। नमस्ते भाव लोग, कैसा का है? वेलकम बैक टू चैनल लार्जेस्ट कंटेनमेंट ब्लॉग्स। तो आपने पिछला ब्लॉग देखा अपना, अपन सनी सिंगापुर में थे और अभी हम जा रहे हैं टूअर्स शिरडी। तो अभी एक घंटे में पहुंच जाऊंगा और ये बड़ा प्यारा लगा मेरे को, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है। ये पत्थर है या झाड़ है मुझे समझ नहीं आ रहा, शायद से झाड़ का बनाया हुआ है, बहुत प्यारा लग रहा है। तो अभी यहाँ पे मैं रुका हूँ, नाश्ता पानी थोड़ा करते और आगे की तरफ बढ़ते। तो यार दिन की शुरुआत जो हम लोग थोड़ा सा हैवी नाश्ते से कर रहे हैं, तब कैसा है दिन भर में थोड़ा ज़्यादा जल्दी भूख नहीं लगेगी और फटाफट मतलब शेडी करके भाग जाएंगे फटाफट घर पे। एक चीज़ है जो मुझे सच में तकलीफ बहुत ज़्यादा, बात पैसों की नहीं है, बात यही है कि यार अब वो चीज़ों का इतना वैल्यू होना चाहिए। अब मनोज ने जो लिया प्लेट वो 50 रुपीज़ का था, उन्होंने बाहर लिया जिसमें वो मेन ऑयल और तेल होता है जो इंक्लूड था। तो मैंने जो लिया अंदर 250 रुपीज़ का, मतलब जो कन्विंसिंग पावर रहती है उसमें हम तो रेडी हो ही जाते हो। जिसमें वही सारी चीज थी, बस कुछ यंत्र थे, ये धागा और ये सब चीज थे जो पता नहीं मुझे कितना यूजफुल ठहरने वाले, क्योंकि मतलब चलो हर जगह पे ये रेट्स तो होता ही है, 200 गया तो वहाँ पे भी वही रेट्स थे, लेकिन मेन ऑयल और तेल नहीं था उसमें, जबकि ऑयल तेल मेन माना जाता है यहाँ पे चढ़ाने के। भाव लोग आप लोग क्या करो ना, बाहर की तरफ दो तीन जगह पे रेट्स निकालो कितने का है और सही रेट वाला ही प्लेट लो, क्योंकि उसमें सब सेम था। उल्टा इसने जो लिया उसमें इम्पोर्टेंट चीजें थी, मैंने ले लिया वो यंत्र मंत्र पता नहीं वो कितना वैल्यूएबल है, लेकिन ले लिया अभी ठीक है। और इंडिविजुअल लेने जाओ तो 10-20 रुपए की वो थे। एनीवेज ले लिया अपने, चलो किसी का बिजनेस हुआ, किसी का दिन अच्छा हुआ, इसके लिए अपने को वो चीज बुरी लगती है, लेकिन इतना ही है जो भी बिजनेस भी करते हैं तो यार थोड़ा सा दूसरों का भी ख्याल रखा करो। मुंबई में कांदे का भाव जो है वो 20 रुपए किलो है और यहाँ पे इनका डायरेक्ट जो फार्मर्स रहते हैं उनके यहाँ से अपन ने ले लिए 25-25 ले लिए, 50 किलो जो अपने को पड़े है 400 रुपीज में। नहीं और तू अपन कितने ना 10 किलो, मतलब 500 रुपए में देखी थी 63 kg हम लोग ने सिर्फ 500 रुपए में लिया। अब जो सब बांटने में हो जाता है मेरी मम्मी लोग का, लेकिन अच्छा है फार्मर्स से आप डायरेक्ट लो तो उनका भी फायदा अपना भी फायदा। बहुत 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 गलत हो रहा है मेरे साथ, अभी निकला हूँ जब से वहाँ से, मैं सब सही चल रहा था, अभी अचानक मेरे को मैं मतलब रिवर्स ले रहा था एक जगह पे, वहाँ पे दिख रहे आपको मैं पीछे टच कर दिया एक झाड़ को, वो टूट गया, लेकिन मैं नहीं रुका, मतलब निकल गया और अभी एकदम से मेरे कांच के ऊपर रेडिएटर का पानी आ गया, कूलेंट आ गया मतलब इधर। तो मेरे को डाउट आया और अभी उन्होंने गाड़ी हम लोगों ने रुकाया साइड में शेड में, तो कम्प्लीटली मेरा रेडिएटर जो है फट गया। एक पंप आया लेकिन इतना जोर से मेरा गाड़ी हटता नहीं था, क्या पता वो छोटे सा झटका इतना जोर का लग गया उसको कि रेडिएटर फट गया। मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा, ये बोल रहा है कि अगर छोटा मोटा डैमेज रहेगा तो एमसील लगा के, आप सबको पता है मनोज एक मैकेनिक है, अपना बहुत काम उसने ही किया और वो आया तो पता नहीं ये पॉजिटिव साइन था क्या मेरे लिए जो अचानक उसका इधर आने का प्लान हुआ। ये जो पाइप है ये अंदर घुस गया और कैसा घुसा हो तो मुझे समझा नहीं, तो टच किया तो ये टच हो रहा है अंदर। अब मनोज के हिसाब से मैंने ये दो चीज़ें ली है, एमसील और एरालाइट, तो कुछ जुगाड़ कर रहा है। तो 2 लीटर से आधा पानी पी रही गाड़ी, तो पूरा निकल गया था नीचे से। ये रेडिएटर सपोर्टर टूटा जिसके वजह से रेडिएटर क्या हुआ अपने एसी का जो रहता है इसको क्या बोलते हैं एसी का, एसी कंडेंसर, एक ही एसी कंडेंसर पे अपट गया और हल्का सा लीकेज है, लेकिन वो क्या कंटिन्यू फ्लो वाला आइटम है तो वो चीज प्रॉब्लमेटिक है। नसीब से मनोज आया था, समझ नहीं आ रहा मेरे को क्या करूँ और क्या नहीं। चलो कोई नहीं, देखते अभी अगर गर्म नहीं हुआ गाड़ी तो अपन पहुँच जाएंगे इधर शिरडी, नहीं तो डायरेक्ट निकल जाते मुंबई, तू चालो बाबा। तो ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर हम आ गए अभी वो टेम्परेरी रिपेयर करके, और कहीं पे ऐसा मुझे पीछे देख रहा हूँ बार बार कुछ गिर रहा है क्या ड्रॉप वॉप, यहाँ पे टेम्परेचर का जो सेंस क्या बोलते हैं उसको, टेम्परेचर मीटर है वो बढ़ रहा है क्या, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। तो एवरीथिंग इज गोइंग गुड टिल नाउ, होप अभी फिर से इसके बोलने पर वो शिरडी की तरफ निकले तो होप पॉजिटिवली हम अच्छे से शिरडी भी पहुँच जाए और अपना
सब काम अच्छे से हो जाए यहाँ से आगे। तो फाइनली पहुंच गए हम लोग प्रॉपरली शिरडी। कभी एक भाई साहब अपने साथ, वो अपने पार्किंग के लिए सही जगह दे देंगे। पीएम पार्क यहाँ पे अराउंड 50 रुपीज और गेट से सीधा अंदर घुसने अपने को। देख वीआईपी के लिए उन्होंने बोला 200 रुपया टिकट है, 200 रुपया टिकट है वीआईपी का, और नॉर्मल दर्शन के लिए आधा एक पौना घंटा जा सकता है। और नॉर्मल दर्शन के लिए जाएंगे 200 200 वीआईपी नहीं, हम साथ ही लोग ज्यादा दर्शन लेंगे। तो अभी पहुंच गया हूं मैं अंदर की तरफ। हम ये शॉप वाले जिन्होंने पार्किंग तक यहाँ पे लेके आगे एकदम गेट के सामने। लोग हम दर्शन के लिए आते तो हम नहीं सोचते पैसे वैसे खर्च करने के लिए, पर जिनके पास पैसे नहीं उनके साथ स्कैम हो जाता रहेगा तो कितना बुरा लगता है। अभी क्या होता है पता है तुमको, इन्होंने लिटरली बोला ये प्रसाद लीजिए, अंदर चादर वादर अलाउड नहीं है, लेकिन तुम हम क्या दर्शन करके दिलवाएंगे प्रसाद, पैर पे जाता है। अब आए कुछ नहीं, थैली इधर की रखी थी, फुल ऑन स्कैम है ये। और ये मतलब ये पूरा वैल्यू है ना, पूरा वैल्यू प्रसाद का वैल्यू, ये लिटरली बोल रहा हूँ मैं आपको 200 रुपये का भी नहीं रहेगा। जो मैंने खरीदा था 510 रुपये, लेकिन अभी ले लिया, पैसे दे दिए, उसके बाद बोला उन्होंने कि प्रसाद यहाँ पे रहेगा। तो इट्स कम्प्लीटली स्कैम, कम्प्लीटली स्कैम, मतलब भक्तों को तो लिटरली लूटा जाता है। सो आप क्या करो, ये जो स्टॉल वालों से ना लेने के पहले 10 बार सोचो, इनकी बातों में मत आओ। अपन सिर्फ ब्लॉग नहीं करते, अपन अवेयरनेस भी फैलाते हैं, और जो स्कैम्स है उसके बारे में तो बताना अपना फर्ज है। तो समझ के लेना, अगली बार से अगर कोई आया, मुझे तो लेसन मिल गया। बुरी बात यह है कि मेरा भाई लिटरली कुछ दिन पहले आया था और उसने मुझे बोला भी था कि ऐसा ऐसा सीन है दादा, आप कुछ लेना नहीं, चादर वदर कुछ लेना नहीं, कुछ अंदर बेचते नहीं। लेकिन चादर वदर भी इन्होंने बोल बोल के बिजनेस मैन है उन लोग, चिपका देते हैं सही तरीके से। तो एनीवेज ले लिया जो मैंने बता दिया आपको, आपको प्रसाद लेना है बाहर स्टॉल्स है, 100 200 रुपये में चीज़ें मिल जाती है, अंदर तो कुछ लेके नहीं जा सकते, कुछ भी फूल प्रसाद कुछ भी लेके जा नहीं सकते अंदर। तो बी प्रिपेयर फॉर दिस थिंग, ओके। एंड अंदर मोबाइल भी अलाउड नहीं है, मोबाइल बाहर ही आपको कहीं जमा करना पड़ता है। तो अभी मैं जो आउटर एरिया है फिलहाल, जहाँ पे जितना रिकॉर्ड कर सकते हो दिखा रहा हूँ। तो हम लोग ने थैली भर के ले लिए पेरू, पूरे घर वालों को पेरू चाहिए थे। यहाँ पे प्रसाद का एक काउंटर है प्रॉपर, और बहुत प्रॉपर तरीके से प्राइजेस लगा है, मैं वो दिखा देता हूँ, वहाँ से ले सकते हो प्रसाद। रोटी थोड़ा पी के रोटी वोटी करते हुए घर पे भाग जाएंगे। अभी कितने बजे? 2 बज गए एग्जैक्टली, टारगेट रहेगा कि 7-8 बजे तक घर पे पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स यार निकल गए हम लोग, शिरडी का दर्शन बहुत अच्छे से हो गया, और बहुत ज्यादा अंदर इम्प्रूवमेंट और यू नो बहुत लैविश टाइप का हो गया शिरडी मंदिर, साई बाबा मंदिर। लेकिन अंदर मोबाइल बिल्कुल अलाउड नहीं था, बाकी सब मंदिर में थोड़ा बहुत चोको ले सकते हैं, शिरडी में अंदर लेके जाना ही अलाउड नहीं है, आपको बाहर ही कहीं तो रख देना है। तो ये चीज़ होने के बाद हम लोग निकले, जो स्कैम था वो भी आपका मैंने शेयर कर दिया। तो प्लीज भी अगर मैंने एक दूसरे बंदे से बात की, बाहर जो प्रसाद वाले थे उन्होंने बोला जो बाहर रोड पे आपको लेके जाते हैं ना उनका कमीशन ऐड होता है, तो ये एक चीज़ थी। और यार आप लोग लाइक नहीं कर रहे यार, ब्लॉग लाइक नहीं कर रहे, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। एंड पर्टिकुलर सिविक के लिए आप मेरे सब्सक्राइबर हो तो सिविक का प्ले लिस्ट में अपना फोल्डर है, एवीएन के लिए हो तो एवीएन का फोल्डर है, एंड नॉर्मल ब्लॉग्स एंजॉय करते हो तो आप सारे ब्लॉग देख सकते हो। तो लेट्स एंड हियर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय महाराष्ट्र, वंदे मातरम, टेक केयर।